दोस्तों आज 28 नवंबर को भिवंडी के रईस हाई स्कूल में भिवंडी के एक नौजवान सोशल वर्कर और सामाजिक कामों में बहुत ही आगे रहने वाले गुलाम मोमिन साहब, जो के हसीन टॉकीज के पास जिनकी ऑफिस है और सोशल वर्कर में और एक्टिविटीज़ में काफ़ी आगे रहने वाले जवासाल के नौजवान हैं, इन्होंने आज रईस हाई स्कूल के कैंपस में, रईस हाई स्कूल के हॉल में ओबीसी जो बनाया जाता है मुस्लिम बच्चों के लिए या ओबीसी कास्ट के लोगों के लिए जो ओबीसी सर्टिफिकेट होता है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो माइनॉरिटीज़ के लिए और मुस्लिम्स के लिए एक बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट है और इसे बनाने में काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। लेकिन इस जवान साल बच्चे लड़के ने अपनी तरफ से कैंप लगाकर मुस्लिम बच्चों के लिए ओबीसी बनाया और आज उस ओबीसी को डिस्ट्रीब्यूशन करने का एक प्रोग्राम रखा गया था, जहां जिन बच्चों के ओबीसी बन गए थे उन्हें जो रईस हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे जियाउर रहमान साहब और बाकी जो शहर के मुतबर हजरात थे उनके ज़रिए बच्चों को दिया गया। ये एक बहुत ही सराहनीय काम है, हालांकि ये काम मुसलमान लोगों के ठेकेदारों को करना चाहिए जिन्होंने मोमिन अंसारी लोगों का ठेका लेके रखा है, पर सराहनीय है गुलाम साहब जिन्होंने इस उम्र में अपनी जवानी में जो इस उम्र में लोग कमाने खाने का ये करते हैं और सोशल वर्किंग का ये काम कर रहे हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ और साथ ही साथ इस वीडियो के जरिए मैं उनसे माफ़ी भी मांगता हूँ, क्योंकि उन्होंने सुबह में मुझे कॉल करके इन्वाइट किया था लेकिन मैं प्रोग्राम में जा नहीं सका, मेरे दोस्तों ने मुझे वीडियो भेजी है। साथ में मैं गुलाम साहब से माफ़ी मांगूंगा और साथ ही साथ इस काम के लिए सराहना करता हूँ और लोगों से अपील करता हूँ कि गुलाम साहब से मिलें और मामला को अपने हल करें और अपने बच्चों के डॉक्यूमेंट्स रेडी करें। FN News चैनल के लिए मैं जुबैर मोमिन, जय हिंद।